वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ इज वी टू। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ लौकी का चीला या लाव पीठा। तो जिसके लिए मैंने यहाँ पे एक ग्लास चावल और आधा ग्लास चना दाल और आधा ग्लास उड़द की दाल को भिगो के रख दिया था। ये अच्छी तरीके से भीग चुका है, अब इसको पीसना है। और यहाँ पे लौकी को मैंने यहाँ पे बॉईल कर लिया था और उसके साथ दो टमाटर को भी बॉईल कर लिया था, तो उसको अच्छे से मैश कर लिया है यहाँ पे मैंने लौकी और टमाटर को। ये बॉईल होने के बाद अच्छी तरीके से इसको मैश कर लेना है। और जो जो सामग्री का ज़रूरत है वो आइए देख लेते हैं। यहाँ पे चाहिए करी पत्ता और चाहिए जीरा और चाहिए अदरक, आधा इंच अदरक को मैंने इसे छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। और चाहिए चार पांच हरी मिर्च, आप जैसे तीखा खाते हैं उतना ही ऐसे लीजिएगा। अब तो चावल और दाल का पेस्ट करना था, उसको मैं पेस्ट कर चुकी थी। और ये देखिए थिकनेस भी ऐसे ही रखना है इसका। और जो मैं करी पत्ता जीरा और हरी मिर्च और अदरक लिया था उसको मैं अभी मिक्स ही कर लूँगी। तो ये देखिए मैंने मिक्सी भी कर लिया है। अभी जो चावल और दाल का जो पेस्ट था उसमें मैं लौकी को जो मैश करके रखी थी उसको डाल के मिक्स कर लेंगे। और जो भी मैंने पेस्ट बनाया था जीरा करी पत्ता उसका, तो वो भी इसको डाल के डाल देना है। और थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक देना है, हल्दी देना है और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने चीनी दिया है। और अभी इसको अच्छे से मिक्स करते रहना है ताकि सभी चीज़ें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। कंटिन्यू इसको चलाते रहना है, ये मिक्स हो जाएगा। ये मिक्स हो चुका है। थिकनेस भी इसका ज़्यादा पतला नहीं, ज़्यादा मोटा नहीं, मीडियम रखना है। ये देखिए ऐसे रखना है इसका बैटर को। और ऊपर से मैं धनिया पत्ता भी इसमें डाल दूंगी चॉप करके। फिर अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। और तावा गर्म हुआ कि नहीं इसमें थोड़ा सा पानी छिड़क के देख लेंगे। तो वो तावा गर्म हो चुका है। अभी जो बैटर मैंने लिया था उसको मैं एक स्पून की सहायता से इसको ऐसे तरीके से फैला लेंगे। ज़्यादा मोटा नहीं करना है और ज़्यादा पतला भी नहीं करना है, मीडियम साइज इसको रखना है इसका। अच्छी तरीके से फैला लेना है। जब एक साइड हो जाए तो अभी थोड़ी देर बाद ऊपर से थोड़ा सा आधा चम्मच मैं इसमें ऑयल लगा लूँगी और छीले को पलट देना है। एक साइड पक चुका है, दूसरे साइड इसको पक जाएगा। पकाने के लिए इसको उलट देना है। ये देखिए एक साइड अच्छे से पक चुका है। अब थोड़ा सा प्रेस करके इसको फिर से और एक बार उलट देना है। तो ये दोनों साइड ही अच्छे तरीके से ये हो चुका है तैयार। तो गर्मा गर्म लौकी का चीला को अभी अचार के साथ परोसिए। आई होप आप लोग को ये मेरा सिंपल सा वीडियो अच्छा लगा है, रेसिपी। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। अगर और एक बार ज़रूर इसको ट्राई करके देखिएगा। आई होप आप लोग को अच्छा लगा है तो, और मेरे चैनल को जो अभी नए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।